बहुत दिनों पुरानी बात है, एक घने जंगल में एक पेड़ पर टुनी चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। टुनी के माता पिता टुनी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन टुनी चिड़िया की माँ बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी टुनी की चिंता सताए रहती है। ऐसे में वह देखती है कि उसके पड़ोस में एक सौतेली तोता माँ उसके बच्चे को जोर जोर से मार रही थी और उसे खाना भी नहीं दे रही थी। यह देख वह बहुत डर जाती है और उसके मन में विचार आता है कि अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी टुनी का क्या होगा। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और उस सौतेली माँ ने टुनी पर अत्याचार किया तो टुनी का क्या हश्र होगा। दूसरे दिन जब उसका पति घर आता है तो वह कहती है, अजी सुनते हो, अब मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, मैं आज हूँ और कल नहीं, पर मेरी आपसे एक विनती है कि आप दूसरी शादी कभी मत करना, नहीं तो वह सौतेली माँ मेरी टुनी पर बहुत अत्याचार करेगी। उसका पति कहता है, अरे भाग्यवान, ये तुम क्या कह रही हो, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, तुम्हें मुझसे वादा करना ही होगा कि मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे। नहीं भाग्यवान, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं, चिड़िया माँ की हालत बिगड़ती ही जा रही थी और वह मर जाती है। टुनी चिड़िया माँ को देख रोने लगती है और रोते रोते कहती है, माँ उठो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम उठती क्यों नहीं माँ, अपनी बेटी को इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई माँ, माँ उठो ना, आंखें खोलो ना माँ। टुनी को रोता देख टुनी के पिता उसे समझाते हैं, बेटा तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए भगवान ने उसे पास बुला लिया, तुम रो मत, मैं हूँ ना। टुनी के पिता अब उसका ध्यान रखने लगे और टुनी के लिए खाने का प्रबंध भी करने लगे। एक दिन टुनी के पिता के पास उनके मित्र तोता आते हैं और उससे कहता है, अरे तुम कब तक भाभी के गम में इस तरह डूबे रहोगे, मेरा कहा मानो, तुम दूसरी शादी कर लो, टुनी को भी माँ मिल जाएगी। पर मैंने तो टुनी के माँ को वचन दिया था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। अरे वचन गया भाड़ में, अपनी और अपनी बेटी की सोच, मरने वाले तो चले गए तुम्हें छोड़ के। न चाहते हुए भी चिड़ा तोते की बात मान लेता है और वह पिंकी चिड़िया से शादी कर लेता है। पिंकी चिड़िया शक्ल से भोली पर दिल से काली थी। पिंकी चिड़िया चिड़ा के सामने टुनी चिड़िया से प्यार करने का नाटक करती, पर चिड़ा के बाहर जाने के बाद अत्याचार करना शुरू कर दी थी। एक दिन वह टुनी चिड़िया से कहती है, अरे वो कलमुही, यह बर्तन क्या तुम्हारी माँ घिसेगी, चल जल्दी, और यह बर्तन जल्दी जल्दी साफ हो जाने चाहिए, नहीं तो शाम को तुझे खाना नहीं मिलेगा, और खबरदार अगर तूने तेरे बाप से कुछ कहा तो। माँ की यह बात सुनकर टुनी बहुत डर जाती है और बर्तन घिसने लगती है और बर्तन साफ कर देती है। एक दिन टुनी की तबीयत कुछ खराब थी, तब पिंकी चिड़िया उसे काम करने को कहती है, पर टुनी उसे मना कर देती है। माँ आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, आज के दिन तुम काम कर लो ना माँ। यह बात सुनकर पिंकी चिड़िया गुस्सा हो जाती है और टुनी को लकड़ी से पीटने लगती है। टुनी चिड़िया बहुत रोती है। तभी चिड़ा घर आ जाता है और पिंकी चिड़िया का अत्याचार देख लेता है और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। पिंकी चिड़िया, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे को मारते हुए? मैंने टुनी के लिए तुमसे शादी की और तुम उसे ही मार रही हो, इससे पहले मेरा गुस्सा बेकाबू हो तुम इसी वक्त मेरे घोंसले से बाहर चले जाओ। यह सुनकर पिंकी चिड़िया चिड़ा से माफी मांगने लगती है। सुनो जी, मुझे माफ कर दो, तुम तो जानते ही हो ना कि टुनी बहुत ज्यादा शरारती है और मैं तुमसे और टुनी से कितना प्यार करती हूँ, मैं तो सिर्फ उसके भले के लिए ही उसे डांट रही थी। पर चिड़ा पिंकी चिड़िया को माफ नहीं करता और उसे घोंसले से भगा देता है और टुनी और चिड़ा दोनों प्यार से रहने लगते हैं। एक घने जंगल में मिट्ठू तोता अपनी माँ के साथ रहता था, पर कुछ ही दिन में उसकी माँ बीमारी से मर गई।
मिट्ठू तोता अनाथ हो गया। मिट्ठू रोते रोते कहता है, माँ मुझे छोड़ के तुम कहाँ चली गई माँ, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा माँ, अच्छा होता मुझे भी तुम अपने साथ ले गई होती। मिट्ठू तोते को रोते देख एक तोता माँ उसके पास आ गई और बोली, बेटा इस दुनिया में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें पालूंगी, चलो मेरे साथ मेरे घर। तोता माँ मिट्ठू तोता को लेकर अपने घर आती है। बेटा इसे तुम अपना ही घर समझना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे या तुम्हारे भाई रघु को कहना, मैं तुम्हारा दाखिला भी रघु के स्कूल में करवा दूंगी। तोता माँ बोली, हाँ मिट्ठू भैया तुम अब किसी बात की चिंता मत करना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगा। रघु तोता बोला। जल्द ही मिट्ठू तोता घर में घुल मिल जाता है। तोता माँ रघु तोता से ज्यादा मिट्ठू तोता पे ध्यान देने लगती है। एक दिन तोता माँ किचन में खाना बना रही थी। माँ खाने में क्या बनाया है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मिट्ठू तोता पूछता है। रुक जा बेटा, मैं अभी तुम्हें गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। तोता माँ बोली। माँ के खाना परोसने तक मिट्ठू तोता खेलते खेलते चूल्हे के पास आता है और अचानक उसका पंख आग की चपेट में आ जाता है। जैसे तैसे तोता माँ उस पर पानी डालकर आग को बुझाती है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। तभी रघु तोता भी वहाँ आता है और कहता है, माँ मुझे भी तुम्हारे हाथों से खाना खाना है। बेटा अब तुम बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं, तुम अपने हाथ से भी तो खा सकते हो। माँ बोली, जब से मिट्ठू तोता आया है तुमने मुझसे प्यार करना ही छोड़ दिया है, जाओ मैं नहीं खाता। रघु तोता गुस्से से बोला, बेटा यह तुम कैसी बातें कर रहे हो, मिट्ठू भी तो तुम्हारा भाई ही है, तुम देख नहीं रहे कि उसका पंख जल गया है। माँ बोली, माँ मुझे तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुननी, माँ जा रहा हूँ मैं। गुस्से में रघु बाहर चला जाता है और सोचने लगता है, जब से ये मिट्ठू का बच्चा घर में आया है माँ सिर्फ उसको ही प्यार कर रही है, आज मिट्ठू की वजह से मुझे डांट खानी पड़ी है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। अगले दिन माँ रघु से कहती है, रघु बेटा तुम मिट्ठू को अपने साथ स्कूल ले जाओ, मैंने तुम्हारा और मिट्ठू का टिफिन साथ में दिया है, तुम अपने हाथों से मिट्ठू को खाना खिलाना। रघु तोता मिट्ठू तोता को साथ ले जाता है। भैया तुम मुझे यह किस रास्ते से स्कूल ले जा रहे हो, स्कूल का रास्ता तो अलग है, फिर तुम मुझे इधर से क्यों ले आए, मुझे डर लग रहा है। मिट्ठू तोता ने पूछा। तुम बेकार में डर रहे हो, मैं तो रोज इसी रास्ते से स्कूल जाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अचानक एक शिकारी तोतों को पकड़ने के लिए जंगल में आता है, उसे रघु और मिट्ठू दिखाई देते हैं। शिकारी खुश हो जाता है और रघु तोते को पकड़ने के लिए झपट पड़ता है। अचानक हुए हादसे से रघु तोता कुछ समझ नहीं पाता, पर अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। मिट्ठू को यह देख बुरा लगता है, पर वह हिम्मत नहीं हारता और अपना दिमाग चलाता है। शिकारी रघु तोते को पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी मिट्ठू तोता एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता देखता है। वह उस छत्ते पर चुपके से एक पत्थर डाल देता है, जिससे सारी मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और छत्ते से बाहर आती हैं। उन्हें वहां शिकारी दिखाई पड़ता है और वे सब की सब उस पर हमला बोल देती हैं। बेचारा शिकारी पिंजरा वहीं छोड़ अपनी जान बचाने के लिए शहर के रास्ते भाग जाता है। इधर मिट्ठू तोता पिंजरे के पास आता है और पिंजरे का दरवाजा खोलता है। रघु तोता बाहर आ जाता है। मिट्ठू भैया अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए अलग रास्ता चुना, पर तुमने मेरी उस शिकारी से जान बचाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। रघु तोता माफी मांगता है और उस दिन से वे साथ साथ रहने लगते हैं।